أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتلوا واتلو عليهم نبع ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله, فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليبلغه كيف يواري سوء تاخي قال يا ويلتا حدست ونقول مثل هذا الغراب فواري سوء تاخي فاصبح من النادمين आपके सामने सूरह मायदा की 27 28 29 30 31 पांच आयात कभी तिलावत की गई थी और इन आयात में हज़रत आदम आ सलाम के दो बेटों का जो वाक़ बयान किया गया है वो आपके सामने ज़िक्र किया गया था कि दोनों बेटों में तनाज़ा हुआ था उस तनाज़े के ख़ात्मे के लिए हज़रत इब्र हज़रत आदम आ सलाम ने ये कहा था कि तुम दोनों अपनी अपनी कुरबानियाँ पेश करो चुनानचे दोनों बेटों ने कुर्बानी पेश की तो हाबील की क़ुरबानी तो मकबूल हो गई क्योंकि उन्होंने अच्छी नीयत से अच्छी कुरबानी पेश की थी और काबिल की कुर्बानी रद्द हो गई क्योंकि उनकी नीयत अच्छी नहीं थी तो काबिल ने हाबिल को हसद के मारे कत्ल कर दिया इन आयात में जो वाक़ बयान किया गया है वो वाक़ हसद का भी एक वाक़ है हसद भी बहुत बुरी बला है हसद कहते हैं किसी की नेमत को किसी की खुशहाली को किसी के ऐश आराम को देख करके जलना और जिल के अंदर ये तमन्ना हो कि उसकी सारी ऐशो आराम की चीज़ें तबाह व बर्बाद हो जाएं, चाहे वो मुझको मिले ना मिले एक होता है हसद एक होता है गिबता गिबते के अंदर ये होता है कि आदमी ये तमन्ना करता है या अल्लाह मेरे भाई को जो नेमत भी दी है और उसके पास जो ऐशो आराम के जो सामान हैं उसको भी बरकरार रखिए और मुझको भी दीजिए लेकिन हसद के अंदर ये होता है मुझको मिले ना मिले उनको तो ना मिले और जो कुछ उनके पास है वो भी ख़त्म हो जाए तो हसद बहुत बुरी भला है जिसकी वजह से ये कतल हुआ तो हज़रत आज़मलाम के दो बेटों का जो किस्सा बयान किया गया उसको मैंने आपके सामने कल बयान किया था एक दो बात बयान करके इस इन आयात का तर्जमा बयान करता हूँ एक बात तो ये है कि दुनिया के अंदर जो भी नेकी होती है और जो भी नेकी की बुनियाद डालता है जब तक वो नेकी का काम होता रहेगा नेकी की बुनियाद डालने वाले को मिलता रहेगा सवाब। और जो आदमी बुराई की बुनियाद डालेगा जब तक वो बुराई होती रहेगी उस बुराई का गुना भी बुराई की बुनियाद डालने वाले को मिलता रहेगा जैसा कि यहाँ कत्ल हुआ है किसी ने कत्ल किया काबिर ने हाबीर को कत्ल किया अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया के अंदर जितने भी कत्ल होंगे तमाम कत्ल का गुना काबिल के सर पर डाला जाएगा अल्लाह के रसूल नेकी करने वाला इसी तरीके से उल्टा देख लीजिए कि जिसने बुराई की बुनियाद डाली बुराई का रास्ता बताया तो बुराई करने वालों के साथ वो भी शरीक होगा मिसाल के तौर पर मैं हमेशा कहा करता हूँ ये मस्जिद हज़ारी है इस मस्जिद हज़ारी में जिन लोगों ने कोशिश की जितना भी पैसा दिया अपनी हैसियत के मुताबिक और जिन लोगों ने मस्जिद की बुनियाद डाली और जिन लोगों ने इसकी तामीरात के अंदर और इसके बनाने के अंदर जो ख़र्चा किया थोड़ा हो या ज़्यादा हो जब तक इस मस्जिद हजारी में नमाज़ होती रहेगी अजान होती रहेगी क़ुरान की तिलावत होती रहेगी हम दीन की बात करते रहेंगे आप दीन की बात सुनते रहेंगे इस मस्जिद की तामीर करने वाले और इस मस्जिद के अंदर ताउन करने वालों को कयामत तक का सवाब मिलता रहेगा इसी तरीके से किसी ने कुआं खोद दिया उस कुएँ से लोग इस्फ़ादा कर रहे हैं पानी पी रहे हैं इसी तरीके से किसी ने दरख्त लगा दिया दरख्त नीचे लोग दरख्त के साए में लोग बैठ रहे हैं आराम कर रहे हैं उस साये से फ़ायदा उठा रहे हैं इसी तरीके से तो कोई भी नेकी का काम कुरने पाक किसी ने ला के मस्जिद में रख दिया जब तक उसने पाक की तिलावत होगी कुरने पाक देने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आदमी के मरने के बाद सारी नेकियों के दरवाजे बंद हो जाते लेकिन कुछ ऐसी नेकियां हैं जिसका सवाब उसको हमेशा मिलता रहता है मिसाल के तौर पर किसी ने तालीम किसी को कुरान पढ़ा दिया किसी को हजीब पढ़ा दी शरीय के इल से उसको वाकिफ करा दिया तो जब तक वो इल्म चलता रहेगा नेकी का इल्म उस वक्त तक पढ़ाने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा उसके बहुत सारे शागिर्द हो गए शागिर्द के शागिर्द हो गए तमाम शागिर्दों का सवाब उस पढ़ाने वाले को मिलता रहेगा इसी तरीके से किसी ने सदक़े जारिया का कोई काम कर दिया मिसाल के तौर तो पर मस्जिद ही बना दी मदरसा बना दिया कुआं खोद दिया किसी ने दरख्त लगा दिया या कोई और नेकी का काम उसने कर दिया उसका सवाब भी उसको हमेशा मिलता रहेगा इसी तरीके से नेक औलाद है नेक औलाद का भी सवाब माँ बाप को हमेशा मिलता रहेगा क्योंकि माँ बाप ने मेहनत करके नेक औलाद उसने बनाई उसकी तरबियत की उसकी तालीम की जब तक वो नेक औलाद नेकियों पर कायम रहेगी उस वक्त तक उसकी नेकियों का सवाब माँ बाप को भी मिलता रहेगा तो इस वाक़े में ये बात है हमेशा इंसान को ये कोशिश करते रहना चाहिए अच्छी चीज़ों की बुनियाद डाली जाए बुरी चीज़ों की बुनियाद न डाली जाए क्यों क्योंकि किसी ने अगर बुरी चीज़ की बुनियाद डाली मिसाल के तौर पर किसी ने सनीमा टाकिस बना दिया या कोई और बुराई का अड्डा बना दिया जुए का अड्डा बना दिया सनीमा किसी ने टाकिस खोल दिया जितने सारे लोग सनीमा देखने आएंगे फिल्म देखने आएंगे तमाम लोगों को तो अलग अलग गुना मिलेगा लेकिन जिसने वो घर बनाया सनीमा टाकज बनाया सनीमा टाकज बनाने वालों को तमाम लोगों के गुनाहों का गठर उसकी गर्दन पर रखा जाएगा तो इसे बहुत परहेज करना चाहिए और सोच समझ कर कोई काम करना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं उस काम के अचरात कहाँ तक पहुँचेंगे, आगे तक पहुँचेंगे? कोई अच्छी चीज है ठीक है बुरी चीज है तो उसको खत्म कर देना चाहिए बुरी चीज़ की बुनियाद नहीं डालनी चाहिए अब मैं तर्जमा करता हूँ अल्लाह तारा फरमाते हैं और आप उन्हें किताब को आदम आलम के दो बेटों का किस्सा सही तौर पर पढ़कर सुनाइए दो बेटों का जिक्र या नाम जिक्र नहीं किया गया लेकिन हाजिर के अंदर तौरात और इंजील के अंदर इन दोनों का नाम लिखा गया हाबीर तो और काबिल जबकि दोनों ने एक एक नियाज पेश की और उनमें से एक की तो मकबूल हो गए और दूसरे की मकबूल ना हुई वो दूसरा कहने लगा कि मैं तुझको ज़रूर कतर करूंगा यानी काबिल ने कहा हाबीर से मैं तुझको जरूर कतर करूंगा तो हाबीर ने क्या कहा उस एक ने जवाब दिया कि खुदा तारा मुतकियों ही का अमल कबूल करते हैं यानी तखवा इख्तियार करने वालों का अमल कबूल करते हैं मैंने जो कुर्बानी पेश की वो अल्लाह को राजी करने के लिए मैंने कुर्बानी पेश की और तुमने जो कुर्बानी पेश की वो सिर्फ दिखावे के लिए कुर्बानी पेश की तो मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूँ तखबा हर अमल की कबूलियत की बुनियाद है हर चीज के अंदर तक्वा। यानि खुदा से डर डर कर बच बच कर जीना बच बच कर डर डर कर एहतियात के साथ जिंदगी गुजारना यही है तकवा अगर तू मुझ पर मेरे कतल करने के लिए दस्त दराजी करेगा तब भी मैं तुझ पर तेरे कतल करने के लिए हरगिज जीत दस्त दराजी करने वाला नहीं मैं तो खुदा परवरदिगार आलम से डरता हूं मैं तुझको कतल नहीं करूँगा तू मुझको कतल कर दे लेकिन मैं कतल नहीं करूंगा ये देखिए भाई का सब्र देखिए हालांकि किताब के अंदर लिखा है हाबील ताकत में काबिल से ज्यादा था ताकत के एबार से जिसम के एतबार से बड़ा मजबूत था इसके बावजूद देखिए उसने सब्र किया भाई कतल करने की कोशिश कर रहा कतल कर भी दिया इसके बावजूद भी हाबील ने इकदाम नहीं किया और ये नहीं कहा कि मैं तुझको कतर करूंगा बदला लूंगा मैं तो ये चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह अपने और अपने गुनाह सब अपने सर रख ले फिर तू दो में शामिल हो जावे और यही सज़ा होती है जुर्म करने वालों की सो तो उसके जी ने उसको अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया फिर उसको कत्ल ही कर डाला लिखा है किताब के अंदर कि शैतान इसको कत्ल करने की तदबीर बताने के लिए आया शैतान इसको कत्ल करने की तदबीर बताने के लिए आया शैतान तो बुराई चाहता ही है उसको काबिल को समझ भी नहीं आ रहा था भाई को कत्ल किस तरह करूं कैसा करूं शैतान आया और उसने आकर के एक जानवर को कतल करके बताया कि इस तरीके से कतल किया जाता है सुनाते शैतान ने कतल करने का तरीका बताया और काबिल ने हाबिल को कतल किया उसके बाद क्या हुआ कतल कर ही डाला जिससे बड़े नुक़सान उठाने वालों में शामिल हो गया फिर अल्लाह तला ने एक कौवा भेजा कतल तो कर दिया लेकिन अब उसको समझ भी नहीं आ, आने लगा क्या करूं उसकी लाश को हाबीर की लाश को उठा करके इधर जा रहा उधर जा रहा उसको समझ भी नहीं आ रहा तो अल्लाह तला ने कौए को भेजा एक कौवे ने दूसरे कौए को मारा और मार करके जमीन खोद करके उसके अंदर उसको डाल दिया अब इसके दिमाग में ये बात आई अरे मैं तो कौे से भी बदतर हूँ कौवा अपने भाई को मार करके जमीन में दफन कर रहा और मेरी अकल में इतनी बात नहीं आई कि मैं अपने भाई को दफन कर देता शर्मिंदा हुआ कौवे को भेजा वो ज़मीन को खोजता था ताकि उसको तालीम कर दे कि अपने भाई की लाश को किस तरीके से पिछावे कहने लगा कि अफसोस मेरी बात पर क्या मैं उस कौवे से भी गया गुजरा हो गया कि उस कौवे ही के बराबर होता अपने भाई की लाश को छुपा देता सो बड़ा शर्मिंदा हुआ लेकिन ये शर्मिंदा शर्मिंदगी तोबा की शर्मिंदगी नहीं और हमारे इसमें भी लंबी चोरी बहुत की है कि वो जो शर्मिंदा हुआ इस बात पर शर्मिंदा हुआ शर्मिंदा अपने भाई के कतर पर नहीं हुआ बल्कि अपनी बदअली पर बेवकूफ़ी पर वो शर्मिंदा हुआ कि कौवे ने यह काम किया मुझको ये काम समझ में नहीं आया इसलिए ओलुमा के अंदर इख्तलाफ है कि ने तोबा ये तोबा है या तोबा नहीं है बाद ने कहा कि तोबा है ये शर्मिंदा हो गया शायद अल्लाह इसकी तोबा कबूल कर लेगा और बाद कहते कतर पर तोबा नहीं बल्कि उस अमल पर यानी दफनाना उसको नहीं आ रहा था उस अमल पर उसको शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं कौवे से भी बदतर हो गया अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तार तमाम मुसलमानों को शरीय मुतहरा पर मुकम्मल अमन पैरा होने की तोफ़ी कत माए सुबह ही सुबह